अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की जो रेसिपी है ना बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी मीठी सेवैयाँ रेसिपी है, और ये रेसिपी जो है ना आप लोगों को आपके बचपन की याद ताज़ा करा देगी। रेसिपी बहुत आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपने जो है ना 2 टेबल स्पून देसी घी लेना है। हम इसको देसी घी में बनाएंगे। 2 टेबल स्पून हम देसी घी ऐड करेंगे, उसमें हमने 1 कप जो है ना हमने सेवैयाँ ऐड कर देनी है। सेवैयाँ ऐड करने के बाद जो है ना आपने इसको 4 से 5 मिनट जो है ना इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है, ताकि इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाए। तो आप लोगों ने ना कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ये सेवैयाँ जो है मीठी सेवैयाँ किस किस को पसंद है और किस किस के घर में बहुत ज़्यादा बनती हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है। 4 से 5 मिनट जो है ना हमने अच्छी तरह भुनाई की है, कलर चेंज हो चुका है, इसको हम साइड पर कर देंगे। अब हम शीरा रेडी करेंगे। शीरा रेडी करने के लिए हमने 1 कप पानी लिया है और 1 कप शुगर लिया है। शुगर जो है आप टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट है 1 कप। तो इसको जो है हमने अच्छी तरह मिक्स करना है, बॉयल आने तक जो है हम इसको मिक्स करेंगे। देखिए शीरा हमारा जो है ना रेडी हो चुका है, बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब हम शीरे को सेवैयों में ऐड कर देंगे। तो चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि न्यू वीडियोज़ आपको आसानी से मिलती जाएँ। तो अब हमने क्या करना है, हाई फ्लेम करेंगे और इसको हम पानी को ड्राई कर लेंगे, शीरे को हम ड्राई कर लेंगे। तो इसको अच्छी तरह हमने जो है ना मिक्स किया है, और देखें इसका जो है ना शीरा ड्राई होना शुरू हो गया है। उसके बाद हमने क्या करना है, कवर करेंगे, दम पे छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि सेवैयाँ जो है ना सॉफ्ट सी हमारी हो जाए और मज़ेदार सी गरम गरम जो है ना ये आप सर्व करें फिर। तो हमारी सेवैयाँ जो हैं रेडी हो चुकी हैं, इसको हम सर्व करेंगे गरम गरम। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर इन्जॉय करें और अपने घर वालों को बना के खिलाएं, और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।